ये देखो पूरा पूरा मेरा हाथ छिल दिया ओरियो ने। क्या मुंह से कि पंजे से? पंजे से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस मैं अपने गांव में हूँ, कल आया था ना, तो अभी जस्ट उठाऊँ मैं सुबह के, देखो 10 बज के, मस्त नींद आई मेरे को। ये देखो उठते ही भाई, उठते ही क्या खाने लग गए। अम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? हाँ। क्या कर रहे? मम्मी जी भी उठ गए। आपने नहा लिया? कपड़े भी सूख गए हमारे, धो दिए। तो अब थोड़ी देर में अभी आंगन में यहाँ पे धूप सेकता हूँ, मस्त धूप आ रही है। और गाइस ओरियो अपना मस्त बैठा है यहाँ पे, देखो उसको बांध रखा है। लेकिन तू गीला गीला क्यों हो रहा है? नहा के आया हूं। वहां तो नहाते नहीं, यहाँ कैसे नहा लिया तूने ठंड में? मन कर रहा था मेरा। झूठ बोल रहा है। चुप जा, देख के आओ, कच्चा देख के आओ मेरा। अच्छा कच्चा, ऐसे गीला कर देगा तू। गाइस ये देखो ओरियो ने क्या कर दिया, ये देखो पूरा पूरा मेरा हाथ छिल दिया ओरियो ने। क्या मुंह से कि पंजे से? पंजे से, मुंह से नहीं काटता वो। मैंने तो अभी देखा यार, भाई साहब पूरा यहाँ से पूरा इधर से इधर तक खून ही खून। देख लो बच के रहना ओरियो से, और उछलता है ना जब, पंजे लग जाएंगे उसके। जानबूझ के नहीं मारता लेकिन लग जाएंगे, उछलता है जब। कहाँ लगा गया ये ओरियो ने? अभी मत उठाया करो ना बेटा ऐसे, फिर तजूर तो मैं बताऊंगा, तूने निशान लगाया तो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए और हाथ में धोते हैं, तो बाल्टी साबुन और ब्रश वगैरह लेके जा रहा हूँ धारे में। गाइज आई थिंक ओरियो को गांव में अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज यहाँ बांध रखा है इसको, तो ये सैड सा हो रखा है। देखो कोई बात नहीं हो रही, क्या कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है बस। खाना खा रही हूँ। आपने खा लिया? हाँ हमने सब ने खा लिया, तेरा तू बचा है बस। सिर्फ मैं बचा हूँ बस। थाली ले आ, यहाँ पर थाली है। थाली यहाँ से लेनी है? वाह, खाने के लिए थाली यहाँ से उठानी है। अगर आप भी आओ तो यहाँ से थाली उठा लेना। थाली उठा के अंदर जाना है हमको, यहाँ पे अम्मा बैठी है खाना देने के लिए। कुनाली कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है गाँव खाना? आप इन छोटे क्यों कम खाते हो? हाँ यार बहुत ही कम खा रहे हो आप। देखो चलो भाई अपना खाना तो आ गया। सो गाइस हम चारों भाई यहाँ पे खा रहे हैं। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं गेहूं और धान को पिसवाने के लिए। तो यहाँ पे गेहूं और धान है, इनको कुटवाना है पिसवाना है जो भी करना है। तो पानी पियेंगे हम केतली का पानी। ये क्या है अम्मा? ये धनिया। धनिया हाँ। तो चलो गाड़ी में डाल दिया है सारे गेहूं और धान, अब चलते हैं चक्की तक। चलो भाई चक्की भी तो पहुँच गया। तो भाई जी हमारे खेत की हल्दी है, इसको अभी साफ कर रहे हैं, इसको फिर पीसेंगे फिर हल्दी बनाएंगे इसकी। गाइस गांव में आके तो बस यही सब काम होता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लकड़ियां लेने के लिए जंगल से, तो चल चलते हैं घर के पीछे वाले जंगल में। एंड ओरियो और पीयूष भी जा रहे हैं। एंड जो ये है ना, इसको बोलते हैं घास के लूटे, इसको ना गाय खाती है। और ये हमारा मंदिर जो कि पापा जी ने खुद बनाया अपने हाथों से। तो गाइस ये प्लॉट भी हमारा है और ये सारी लकड़ियां भी हमारी हैं। पेड़ काटा नहीं है, जो पेड़ टूट जाते हैं ना, जो पेड़ खुद से टूट जाते हैं ना, तो उनको काट लेते हैं। चाचा जी ने तो बचपन से यही किया है, चाचा जी को आता है, हमको तो नहीं आता। और गाइस ये देखो इतने सारे थीटे, इसको इसके ऊपर पेंट करके लोग बेचते हैं इसको, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही मिलते हैं, मतलब पूरे जंगल में आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इकट्ठे कर रखे हैं देखो कितने सारे। तो भाई चाची जी भी आ चुके हैं यहाँ पे लकड़ी देने के लिए। चाची ले जा लोगे इतना भारी? अच्छा ऐसे टाइट होता है क्या? अरे एक मैं ले जाऊंगा, मुझे देना। अरे भारी हो रहा है। तो क्या वो भारी हो रहा है? नहीं मैं ले जाऊंगा। चलो उठा दिया। भाई मेरे बस की भाई इतना भारी भाई। नहीं है कहाँ कच्चे हैं वो? पापा जी ने उठा दिया। साइल तू उठा देगा? सब कुछ आ रही रखना। भाई चुप रहे सिर में। ठीक है ठीक है। उठा मम्मी। चाची आप कैसे ले जाओगे यार? आई मम्मी तो मम्मी है। भाई चाची को आदत है यार। नीचे कैसे जाओगे? जाऊंगी अंदर रास्ता देख के। देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन जब मेरे सिर पर रखा ना भाई इतना भारी, और चुप रहा इतना भारी था भाई। कैसे ले जाओगे? अच्छा बैठ गई चाची, ध्यान से चाची ध्यान से। ओ भाई ये देखो चाची काफी नीचे पहुंच गई वहां पे। भाई दिल से रिस्पेक्ट है चाचा चाची के लिए। सैल को दो, ले जा दूंगा मैं। सैल को दो एक बार, सैल दिखते हैं ले जा पाएंगे। सैल रख सिर पे रख, गिरेगा तो नहीं वो, तो तेरे को बताना चाहिए ना। देखते हैं सैल से ले जाया जाएगा, जाएगा। गिरे ना बस। चुभ रही है ना? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ से चाची यहीं से गई है भाई, नीचे चला जाएगा नीचे। बैठ के पहले बैठना पड़ता है। ए गिरे गिरे गिरे, ए गिरे भाई, क्या कर दिया ये भाई, इसीलिए तो मैंने वापस रख दिया था, अब क्या करेगा गाइस। इसीलिए तो मैंने नीचे रख दिया था, मुझे पता था कि नीचे नहीं जा जाएगा, मतलब ले जा तो लेंगे, सीधा तो ले जा लेंगे, लेकिन मैं पहाड़ से नीचे उतरना है, पहाड़ से नीचे उतरने में इतना भारी लेके सिर पे चुभ रहा है, उसमें दिक्कत होती है ना। तो अब देखो सारी लकड़ी यहाँ पे गिर चुकी है, आज आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई है आपकी। थैंक यू, ऐसा काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। देखो साहिल भी गिर गया, मैं भी, मेरे से भी नहीं हो पाया, साहिल भी गिर गया। हाँ तुम्हारे
पहाड़ में कभी किया नहीं है ना तुमने काम। गाइस पहाड़ों का जीवन तो ऐसे ही है, मतलब पति लकड़ी काटते हैं, पत्नी इस तरह से लकड़ी उठा के नीचे ले जाते हैं, पति पत्नी मिलके इस तरह से काम करते हैं। तो अभी गाइस हम ओरियो खुला छोड़ने वाले हैं, ओरियो मस्त घूमेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुला खुला सा है ना, यहाँ पे सही है, ओरियो कहीं भागेगा भी नहीं, तो हमने खुला छोड़ दिया इसको। ओ भाई ये वाला पेड़ देखो भाई, पूरा जड़ से उखड़ गया है, देखो भाई पूरी जड़ किस तरह से दिख रही है यहाँ पे, और देखो कितना कितना बड़ा पेड़ था वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो इस तरह से भी उखड़ गया। अब इसको काट देंगे, जिसका ये प्लॉट होगा ना वो इस पेड़ को काट देंगे, फिर उसकी लकड़ी को यूज़ करेंगे। इस तरह से होता है, मतलब पेड़ काटते नहीं है, जो पेड़ खुद से गिर जाता है ना इस तरह से, क्योंकि पेड़ की जड़ देख कितनी खतरनाक होती है भाई, कितना बड़ा पेड़ है, इसको देख संभाल के रखा होता है इसने, इसकी जड़ देखो गाइस कितनी मजबूत जड़ है इसकी, गाइस कितनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे आके ना मतलब हमारी पूरी बॉडी पूरी फेफड़े डिटॉक्स जाते हैं, क्योंकि इतनी मस्त प्योर ऑक्सीजन होती है ना यहाँ पे, बिल्कुल ही पॉल्यूशन है सब कुछ नहीं। तो चलो गाइस अब चलते हैं हिमालयस देखने के लिए, कौसानी ऊपर यहाँ से गाड़ी में चलते हैं, अगर मौसम खुला होगा ना पूरे हिमालयस दिखेंगे, पूरे बर्फ के पहाड़ दिखेंगे। तो अब चलते हैं पहले गेहूँ लेने के लिए, गेहूँ पीस गए होंगे हमारे। तो अभी गाइस घर पहुँच गए हैं, और देखो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, मम्मी यहाँ पेंट कर रही है सारे गमलों वमलों पे, और देखो यहाँ भी पेंट कर दिया, यहाँ पूरे अपन बनाएगी मम्मी खुद ही। दादाजी चाय रख रहे हैं सबके लिए। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो फाइनली चक्की पहुँच गया, हो गया इसमें है आटा, तो अब जा रहे वापस घर आटा लेके। चलो भाई घर पहुंच गया, अब इनको निकालते हैं। गाइस आप ये मत समझना कि मैं कुछ काम नहीं करता भाई, मैं भी उठाता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता ना, मैं खुद की वीडियो कैसे बनाऊँ, मैं दूसरों की बना लेता हूँ, तो मेरे टाइम पे शूट करने के लिए कोई होता नहीं है ना, तो हाँ ये मत समझना कि खुद नहीं करता, दूसरों की भी दिखाता रहता बस। होपफुली मौसम खुला हो बस, और हिमालय का व्यू दिख जाए हमको बस। तो गाइस हम पहुँच तो गए, लेकिन देखो भाई सामने बादल हैं, हिमालय थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से, थोड़ा सा दिख रहा है बस ऊपर से थोड़ा सा। तो गाइज अभी तो हमको हिमालयस दिखे नहीं, लेकिन हम आपको हिमालयस के ऊपर जाके दिखाएंगे, हिमालयस के ऊपर जाके कैसे हैं वो बर्फ के पहाड़। तो हम कल निकलेंगे यहाँ से अराउंड 500-600 किलोमीटर दूर है, वो भी आएंगे हमारी थार लेके, तो हम जाएंगे थार में हमारी, वहीं पे एक टेंट वेंट भी थार में अपना मस्त, वहीं टेंट में रहेंगे, देखेंगे जो भी रहेगा। गाइज यहाँ पर ड्राइव करने में अलग ही फील आता है देखो। तो भी गाइज हम रुके हैं मस्त छोले खाने के लिए, तो यहाँ पे देखो मस्त छोले खाते हैं, छोले और आलू। तो गाइज अब सहल चला रहा है गाड़ी, और हम घर पहुँचने वाले हैं। इधर गांव में इस तरह से कुटाई होती है मसालों की, भाई गांव वाले खुद ही बना देते हैं सारे मसाले। देखो मैंने बोला था ना हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, देखो यहाँ भी हल्द्वानी की याद आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, हल्द्वानी की टीवी की याद आ रही है ना कि हल्द्वानी की। गई शाम हो चुकी है, धूप जा चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने जैकेट डाल ली। कुणाल चले नदी में चले, हमने दरवाजा बंद कर रखा है ताकि ओरियो ना आ जाए, ओरियो खुला हुआ है ना। तो अभी हम खेतों में पहुंच चुके हैं, अब गांव में आए नदी में ना जाए ऐसा हो सकता है। भाई पानी भी ज्यादा, देखो पूरा इधर तक आया हुआ पानी, नहीं तो यूजली वहां तक होता है पानी। तो गाइस अभी सौरदा जा रहे हैं वो वाले पत्थर पे, चलो ए ए तो गाइस सौरदा को देखो क्या कर रहे हैं, एक फोटो के लिए लेट रहे हैं यहां पर, अगर गए ना सीधा बह जाओगे, और ठंड इतनी हो रही है, निकलोगे पता नहीं कहां है रिवर में। नेचुरल पत्थर है बिल्कुल एकदम, हां पत्थर नेचुरल ही होते हैं ब्रो। चलो अब खींचते नहीं फोटो की, लेट हो गए ऐसे। गाइस गांव में ना इन छोटी छोटी चीजों में बड़ा मजा आता है। गाइस पता है गाइस ये देखो क्या हो गया भाई, एकदम से मैंने देखा एकदम से पैर फिसला इसका, भाई जूते भीग गए तेरे भाई, सूखेंगे नहीं। देख मैं भी चप्पल में आया हूँ भाई, मैं भी इसलिए चप्पल में आया हूँ, अगर गिर भी जाऊंगा तो चप्पल भीगेंगे ना। कुनाली आप दूर रहो पानी से, आप दूर रहो। तो अब हम जा रहे हैं घर, पागल ने अपने जूते गीले कर लिए। गाइस बहुत ठंड हो रही है, हाथ सेकते हैं वे यार, आग को मैं जा रही हूं, मुझे आग से कुछ भी नहीं होता, मेरा रिश्ता है आग से। देखो अरे नहीं एकदम से करना, ऊपर से नहीं इसके अंदर से करो, ये जला। और ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, डर रहा है अरे बहुत, कांप वो बम फट रहा है बाहर, देख के आते कौन फोड़ रहा है, कौन फोड़ रहा है बम, कौन फोड़ रहा है, फोड़ो फोड़ दे बे कहे मेलो, बम मत फोड़ो यार, और ये को डर लग रहा है, अब मत फोड़ना, और रो बहुत रो रहा है वो, उधर जाके फोड़ लो ना, उधर जाके कांप गया देखो, कैसे हाफ हाफ रहा है देखो, अब नहीं फोड़ेंगे, अब नहीं फोड़ेंगे, अब नहीं फोड़ेंगे, आंसू आ रहे हैं आंसू। गाइस मैं तो बस एडिटिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल। गाइस अब थोड़ा शांत हो गया, देखो सो गया, ऐसे सो गया क्या। तो फिलहाल खाना खाते हैं, भिंडी आलू गोभी एंड रोटी, आज मैंने खाना ऊपर ही मंगा लिया, ऊपर ही खाएंगे फिर एडिटिंग करेंगे। तो भी गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग देखना हम निकलेंगे यहाँ से मस्त बोबे के साथ में, वो भी थार में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो देखना हमारी नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, लॉन्ग ट्रिप जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। घबराहट किस बात की यार, वीडियो में देखते हैं ना तो